कृष्णा, प्रिय यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। आज बात करेंगे, प्रतिकूलताएं निखारती हैं व्यक्तित्व को। प्रतिकूलताएं निखारती हैं व्यक्तित्व को, तो कैसे? जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, और हमारे सामने अपने कर्तव्य मार्ग पर चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, उस वक्त हमारे जीवन को वो परिस्थितियां निखारती हैं। हम क्या मैक्सिमम हो सकते हैं, क्या हाईएस्ट हो सकते हैं, क्या हाई लेवल की पॉजिटिविटी के साथ काम कर सकते हैं, और हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं उसका कैसे हम बेहतर सदुपयोग कर सकते हैं, ये चीज़ हमें हमारी प्रतिकूलताएं ही सिखाती हैं। अगर आपके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आई है, तो कभी भी आप उस आयाम को नहीं छू पाएंगे, जीवन का जो सच का आयाम है, जीवन का जो सत्य है, उस आयाम को कभी नहीं छू पाएंगे। या फिर आपके जीवन, आपकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी है, मतलब आपकी मैक्सिमम काम करने की क्षमता या बुद्धिमत्ता जो है, उस तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ये चीज़ होती है। सपोज दैट आपको रोज़ खाना बना बना मिल रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल से समझती हूँ कि आपको डेली बना बनाया खाना मिल रहा है, ठीक, आपको नहीं पता है कि कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता। फिर एक दिन आपकी मम्मी, आपके घर वाले कहीं चले जाते हैं, खाना बनाने वाला कोई नहीं रहता घर पे, ठीक है, आपको भूख लगी है, और आपको भूख लगी है तो उस वक्त आप क्या करेंगे, किचन में जाएंगे और ढूंढेंगे, देखेंगे कि खाना बनाया कैसे जाता है। नहीं बन, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो अब आपको भूख लगी, आपको खाना भी है, आप मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल हुई ना वो आपकी प्रतिकूल परिस्थिति, तो फिर उस प्रतिकूल परिस्थिति में आप खाना बनाना सीखेंगे, मम्मी को फ़ोन लगाएंगे, पूछेंगे कैसे बनता है, आप मम्मी बताएंगे कि ऐसे ऐसे बनता है, आप बनाने की कोशिश करेंगे, और उस दिन आप दाल चावल बनाकर खाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आपने नई चीज़ सीखी ना जब आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आई, तो आपको ये भी पता हो गया कि आपको खाना बनाना आ सकता है, बन सकता है। अब बात करते हैं कि किसी भी महापुरुष के जीवन को आप पढ़ेंगे, उनके जीवन में संघर्ष था ही था, उनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां थी ही थी, और उन प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने वही निर्णय लिया जो एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति को लेना चाहिए, ठीक, तभी उन्हें जीत मिली। अगर वो भी हार जाते, उस प्रतिकूल परिस्थिति से नहीं जूझते, तो हम उनका नाम नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं है कि संसार में कोई व्यक्ति नहीं हुआ, कितने व्यक्ति हुए हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं का पढ़ा जा रहा है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को मजबूती से खड़ा रखा है, है ना। बार बार इंसान टूटता है विपरीत परिस्थितियों में, लेकिन कर्तव्य सामने होता तो खड़े होना पड़ता है। ऐसा नहीं है जैसे एक मैंने बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत में कभी गांधी नहीं बन सकते थे। महात्मा गांधी जो जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आज़ाद कराने में मदद की, वो स्वतंत्र भारत में गांधी नहीं बनते। देश गुलाम था इसीलिए गांधी बने, देश गुलाम था इसीलिए भगत सिंह हुए, देश गुलाम था इसीलिए सुभाष चंद्र बोस हुए। अगर देश गुलाम नहीं होता तो ये व्यक्ति नहीं बनते, ना हम इनका इतिहास पढ़ रहे होते, है ना। इन्होंने
उस समय लड़ने का प्रयास किया, वो भी चाहते नहीं लड़ते, नहीं लड़ते तो हम भी आज गुलाम होते, होते कि नहीं होते। महापुरुषों की जीवनियाँ, ऐसे ऐसे महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं, जैसे हमारे महावीर स्वामी थे, गौतम बुद्ध थे, तो ये सब राजाओं के बेटे थे, राजसी महल में पैदा हुए, उनका जो लालन पालन था वो बहुत ही राजसी हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा की सुनी, उन्हें सत्य की खोज थी, तो उन्होंने सत्य की खोज में कठिन से कठिन परिस्थितियों का चुनाव किया, और उस कठिन परिस्थितियों में जो उन्हें जीवन से सीख मिली, जो उन्होंने अनुभव पाए, उस अनुभव को हमसे शेयर किया, और उन्हीं को पढ़कर आज हम भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं, निखारने की कोशिश करते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबके जीवनियों को पढ़कर हम अपने जीवन में प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए जब भी कठिन परिस्थितियां आए तो घबराइए नहीं, कठिन परिस्थितियों से लड़ते रहिए, वही आपके जीवन को उस वक्त हो सकता है कि आपको बहुत बुरा लग रहा हो, लेकिन आने वाली कई पीढ़ियों को आपका संघर्ष सही दिशा दिखा सकता है, सही प्रेरणा दे सकता है। जैसे हमारे एक अरविंद जी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने तो मतलब इतना संघर्ष किया कि चाय पीकर रह जाते थे। स्वामी विवेकानंद की भी यही हालत थी, जब वो तपस्या में थे, जब वो संघर्ष में जीवन को जी रहे थे, तो कभी कभी बिना खाए ही जीवन व्यतीत कर लेते थे। तो जीवनियां उन्हीं की पढ़ी जाती हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर जगत कल्याण के लिए निरंतर आगे बढ़ते रह गए। तो मैं ये नहीं कहती कि आप सब भी महापुरुष बन जाइए, पर आई मीन टू से दैट कि जब भी आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आए तो घबराइए नहीं, अपने व्यक्तित्व को निखारिए। आप उस वक्त कोशिश कीजिए कि हम क्या मैक्सिमम पॉजिटिव कर सकते हैं उस वक्त के केंद्र में अपने आप को रखिए, और आपके पास उस वक्त उस कठिन परिस्थिति में जो भी संसाधन है उन संसाधनों पर ध्यान दीजिए, फिर उन संसाधनों से क्या आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए, और ध्यान देने के बाद इन सब चीज़ों से जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको आप फिर अपनी एक्टिविटी में लाइए, अपने जीवन में उतारिए, और जब आप जीवन में उतारेंगे तो आई 100% से दैट जो रिजल्ट होगा वो प्लस में ही होगा और माइनस में नहीं ही होगा। आप भले से सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो आपको लोग यही कहेंगे कि असफल है, ऐसा है, वैसा है, बट वो जो आपका ज्ञान है ना वो बहुत लोगों के लिए प्रकाश का कारण बन जाएगा। महापुरुषों के संघर्ष हमारे जीवन के लिए प्रकाश बन जाते हैं, तो इसलिए कभी भी विपरीत परिस्थिति हो तो घबराना नहीं है, हमेशा डटकर सामना करना है और दीपक की तरह चलते रहना है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक